सीबीएसई की ओर से 2020-21 बोर्ड एग्जाम शेड्यूल में बदलाव की कोई सूचना नहीं है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है जब तक कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन नहीं आती तब तक राज्य में स्कूल दोबारा खुलने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में दिल्ली NCR के स्कूल 10वीं-12वीं कक्षा के लिए प्री बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन ही आयोजित करने की तैयारियों में लग गए हैं। इन छात्रों के लिए यह पूरा शैक्षणिक वर्ष ऑनलाइन आयोजित किया गया है। प्री बोर्ड परीक्षाओं में स्कूलों को ठीक वैसा ही मॉड्यूल बच्चों को देना होगा जैसा बोर्ड परीक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बच्चे खुद को परीक्षा के लिए तैयार कर सके। सिलेबस के साथ साथ एग्जाम का पैटर्न भी ठीक बोर्ड परीक्षा जैसा ही होना जरूरी है। अब प्री बोर्ड को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए स्कूलों के सामने दो बड़ी चिंताएं हैं। पहली, छात्रों की पूरी सिलेबस के साथ परीक्षा लेना, और दूसरी, परीक्षा के दौरान नकल आदि गड़बड़ियों को रोकना। स्कूल प्रशासन का कहना है कि वे छात्रों पर लगातार 3.5 घंटे अपना कैमरा ऑन रखने की अनिवार्यता नहीं रख सकते, और इसके बावजूद भी ऑनलाइन एग्जाम में पूरी पारदर्शिता बनाए रख पाना मुश्किल होगा। कई स्कूलों को प्री बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित करने की उम्मीद थी, लेकिन अब यह संभव नहीं लग रहा। खासकर दिल्ली में, जहां उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि शहर के स्कूलों को तब तक दोबारा खोलने पर विचार नहीं किया जा सकता जब तक कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होती। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के NCR शहरों में, जहां सरकारों ने स्कूलों को सीधे छात्रों के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी है, वहां स्कूल अभी भी परीक्षाओं के ऑफलाइन होने की अधिक उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि हरियाणा के संक्रमण के मामलों में वृद्धि के बाद स्कूलों को फिर से बंद कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।